अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज जनाब व्लॉग स्पेशली बेस्ड है जनाब जश्न आज़ादी पर। उसमें खास पैगाम है जो कि प्लांटेशन के हवाले से है और ये प्लांटेशन बेस्ड व्लॉग है। तो आप प्लीज़ इस व्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हम एक छोटा सा गिफ्ट पाकिस्तान को दे सकें, और व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स गो। और ये जनाब काफ़ी दिनों से ये काम पेंडिंग था जो आपको नज़र आ रहा है। जी बिल्कुल, यही एक रेसिपी है जो हमने बनाई है स्पेशल अताउर रहमान के लिए, वो खाएगा। बहुत ही गंदा मजाक था वैसे ही। तो ये इसमें जनाब मिट्टी थी और पौधे लगे हुए थे, पौधे ख़त्म हो गए और साथ बारिश का पानी ये हो गया है। तो अब मैं इसको इसमें से उठा के इसमें डालूंगी और अताउर रहमान इस वाले को बाहर फेंक जाएगा। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके दलदल उठा के इसमें फेंक दिया, वो नज़र नहीं आ रही, वो नीचे बैठ गई सुकून से जाके। और अब ये गीली मिट्टी है तो ये बाल्टी का हाल आप देख सकते हैं। तो एक और बाल्टी ऊपर पड़ी है, उसमें ला के ये मिट्टी उसमें फेंकते हैं, फिर कोई पौधा ला के लगाएंगे। जनाब ऊपर से हाल की है प्लास्टिक की, क्योंकि हम अब गमलों में पैसे ज़ाया नहीं करना चाह रहे, लेकिन इसकी भी हाल बुरा ही है। बारिश का पानी पड़ पड़ के इसको मैं धोती हूँ। इससे ज़्यादा साफ़ ये मैं अंदर से कर नहीं थी सकती, क्योंकि इसके अंदर हमने खाना नहीं खाना बल्कि मिट्टी फेंक के। और ये तुम्हारे जो है ना तारमन, 10 किलो के बूट रास्ते में आके गिराने लगे थे मुझे। और अभी खूबसूरत डिब्बा लेंगे और यही उसी में डाल के फिर दिखाते हैं क्या तारमन मिट्टी गिर जाएगी, क्या कर रहे हो। चलो मजे लैन बह जाते एकदम पाकिस्तानी माम। हम जगह क्या हाल हो गया है जनाब चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि नीचे जो है मिट्टी बहुत सख्त है। चमचे की भी हालत काफ़ी नासाज है, क्योंकि वो भी ऊपर पड़ा पड़ा बारिश में उसका खनेरा। ये जनाब अभी इधर से उठा के इधर से बाहर फेंक देगा गंदा पानी। आ जाओ बाद में खेल लेना, पी लो मार ली। पी लो चटा। ओ नहाना नहीं है। ये होने लगी है फुल बदतमीजी। बदतमीजी वाली इसमें कौन सी बात है? कोई बात नहीं, एक्चुअली साथ हमारे वही है चप्पल। क्या क्या बदतमीजी वाली? मैंने कहा कौन सी बात है, यहाँ तो आप करें ना सब्सक्राइब। हाँ। 1 मिलियन हमारे हों बिल्कुल नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, हमारे पास पैसे आए। आमीन। तो ये साफ करवा के वो कूड़ेदान लगवाएं गलियों में। अस्तगफिरुल्लाह। हम भी तो अपनी पार्टी बनाए। तो बताओ उनकी गेलियां ही शुरू हो जाती हैं। अब रेत नजर आ गई है तो वो ऊपर फेंकने लग गए। एड्डा तू साल्ट में कौन है ये कोई कौन जे नहीं पता तो चिटिंग क्यों हो दिखा रहे मेरी उन्होंने की थी होनी है कोई ना चेक करो कौन है तक फिर अल्लाह। चलो बस जो काम रह गया ना वो कर लें, फेंक दें ये पानी। सीन ये है कि वो मिट्टी तो डाल दी है, लेकिन अब ये बाकी भी मैंने इसको बोला, ये तो भाग रही थी कि ये साफ करो सारा सारे बाल्टी डब्बे लादा लादा करो। अब इसको डर लग रहा है कि पीछे छिपकली है, तो ये आप देखें ये हो रहा है बेटा नहीं है पक्की बात है तुम्हारी। ये क्या गिरा धागे हैं सिर्फ। देखा मैंने बोला है मान नहीं थी रही है, चलेगी अब बोल रहा हूँ माननी नहीं है बड़ों की। छिपकली या कुछ बड़ा को बहुत बड़ा मगर मच्छ जी मगर मच्छ की ही एक किस्म है वो। किन्नी आखे? अच्छा तेन नहीं पता नहीं दुनिया ने दुनिया दे ने मन्नी ने। ये जो था गन पीछे, अब ये इंटरनेट रैपर शैपर ये किसने खाया मेरे पीठ पीछे, ये गोल गप्पा चप्पा जो ये ही खा के फेंकता ऐसी जगहों पर। ओ भाई सच अब तो सच बोल दे। ये ऊपर से आते हैं जब आंधी आती है। हमने सच बोल दिया खाते पापड़ वगैरह यहाँ पे वंडर आते हैं टॉर्नेडोज आते हैं आपको नहीं पता। अच्छा जी तो आज का मिशन हमारा ये है कि हमने ये साफ सुथरी करनी है सीढ़ियाँ। क्यों करनी है? क्योंकि 14 अगस्त आ रही है, प्लांटेशन ग्रीनरी फैलाना चाह रहे हैं अपने घर में। पहले बहुत ज्यादा फैल गई एक बाल्टी में जी हाँ, तो
तो मिशन यहाँ से शुरू हुआ। आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी मेरे बेडरूम में फुल मेरे बेड के नीचे दाएं बाएं पौधे ही पौधे हों, तो देखें अब कहाँ तक पहुँचते हैं। ये तो कहता है मेरे कमरे में दरख्त लगा दो। हाँ वो आ नहीं था सकता, अभी मैंने कहा रहने दो। तो नेक्स्ट डे हो गया है यानी कि सुबह हो गई है और वो देखें पौधे उधर जा चुके थे। अभी कल हम ये काम कर ही रहे थे कि लाइट चलेगी और फिर उसका आना जाना लगा रहा और पानी भी ख़त्म हो गया था, तो ये काम तो पूरा ना हो सका। तो अभी मैं जा रही हूँ स्कूल, शायद अताउर रहमान पीछे से ये कर दे और शायद ना करे, लेट्स सी। अच्छा इसमें धनिया पुदीना लहसुन वगैरह लगाएंगे लेकिन अभी नहीं, बाद में चाहिए, तुम्हें भी लगा देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बारिश की वजह से नहीं जा सके नए पौधे लाने, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी एक पौधा मौजूद है तो उसी को काट के दूसरी तरफ लगा दें, क्योंकि वो भी बढ़ जाएगा, वो भी फैलेगा मज़ीद, तो वो भी अच्छा है इन्वायरमेंट के लिए। तो ये जो हमने ऐसे ही किया भाई, ये एक पौधा लाया था हमने छोटा सा, वो इसमें इतना बड़ा हो गया और इससे उतार के हमने उसमें भी लगाया हुआ है और अब हम तीसरे में भी यही लगाने लगे हैं। बाकी जब मौका मिला तो मैं ले आऊँगी और भी, फिर वो लगाएँगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ इसी को दोबारा से प्लांट करने लगे हैं उसमें। तो आप इस तरह भी पाकिस्तान को गिफ्ट दे सकते हैं 14 अगस्त पे। तो जो पैसे हम लोग खर्च करते हैं ये झंडियों वगैरह पे बच्चों को दे देते हैं, वो झंडियाँ खरीद लाते हैं और इस तरह गली मोहल्लों में बल्कि घरों में भी उन्होंने लगाई होती हैं। तो उससे क्या होता है, एक तो बारिश का मौसम चल रहा है और वैसे भी हवा से वो गिर जाती हैं, टूट के नीचे पाँव में आ रही होती हैं और ऊपर से गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही होती हैं, तो वो हमारे झंडे की भी बहुत ज़्यादा मतलब बेहुरमती हो जाती है, जो कि एज अ पाकिस्तानी हमें नहीं करना चाहिए। एक भरा झंडा लेकर लगाने का मैं मना नहीं कर रही, क्योंकि वो तो आप तय करके दोबारा रख सकते हो, नेक्स्ट ईयर दोबारा यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो रीयूजेबल है। लेकिन ये जो छोटी पेपर की झंडियाँ होती हैं ना, प्लीज़ ये अपने बच्चों को मना करें कि वो ना खरीदें। और एक और चीज़ आप लोग बड़ी मतलब बच्चे शौक से खरीदते हैं 14 अगस्त पे, वो ये होते हैं सीटियाँ, विसल और बाजे वगैरह, ये सारा कुछ, ये भी मत उनको बोलें। आप पौधे लगाने का मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको जैसा कि पता है क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में हो रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का सामना हमें करना पड़ा है। तो आप क्या करो कि ये पौधे लगाओ ज़्यादा से ज़्यादा जितने लगा सकते हो, तो उसकी वजह से एक तो हमारे इर्द गिर्द का माहौल भी काफ़ी अच्छा रहेगा और दूसरा हम एक पाकिस्तान को अच्छा सा गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो ये मुझे लगता है झंडियों से ज़्यादा अच्छा गिफ्ट ये होगा अगर हम सब एक एक पौधा अपने घर पे या इर्द गिर्द कहीं भी लगाएं, तो वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आई होप आप इस पर अमल करोगे और बच्चों को झंडियों लेने से मना ज़रूर कीजिएगा। उसकी मिसाल ये आपके सामने ही है कि एक इतने से पौधे से इतना बड़ा दरख्त बन गया और वो भी बन गया और अब फिर से एक और जगह पे ये जा रहा है, इसने घूमते ही रहना पता नहीं कहाँ कहाँ। ये लोगों ने नुक्स निकालने हैं भाई, हमें कुछ नहीं करना था। क्यों कि ये क्या कर रहे हो, हमें कुछ नहीं आता, बस हम कर रहे हैं। हाँ बस हम कर रहे हैं और आपको कुछ नहीं करना था तो आप कर लो, बस हो जाएगा। और ये जो कांटों वाला पौधा है मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा महंगा होगा, ये बहुत ही सस्ता आपको मिल जाएगा, है ना। तो इसी नोट पर, ये प्लांटेशन की नोट पर मैं ये ब्लॉग कर रही हूँ ख़त्म। तो आपने मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना है आगे, ताकि जो है ये ग्लोबल वार्मिंग या वट एवर क्लाइमेट चेंज ये सही हो सके। हमारे एक स्टेप से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है, क्योंकि ओजोन लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा छलनी हो चुकी है, तो वो उसको हील करने के लिए हमें सिर्फ यही करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे अपने इर्द गिर्द लगाने हैं। तो ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सोहनी धरती अल्लाह रखे, कदम कदम आबाद तुझे, आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।